सिनेमा जगत में गुजरे जमाने की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री अमृता सिंह हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रही हैं। अमृता सिंह ने जब से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब से लेकर अब तक चर्चा बटोरती हुई नजर आती हैं। आज के समय में अमृता सिंह बेहतरीन जिंदगी बिता रही हैं अपनी बेटी सारा अली खान और अपने बेटे इब्राहिम अली खान के साथ। इस बात से सभी वाकिफ है कि अमृता सिंह नवाब सैफ अली खान के साथ शादी के बंधन में बंधी, लेकिन ये शादी कुछ सालों बाद ही टूट गई और आज के समय में अपने पति सैफ से अलग रहकर अपने दोनों बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। सैफ और अमृता के तलाक को तकरीबन 17 साल होने को जा रहे हैं और इस बीच देखा जाए तो अमृता ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती चली आ रही है। वेल दोस्तों, अमृता की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई राज हैं जिन्हें जानकर फैंस हैरान रह जाते हैं। अमृता ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी हैं। अपने फिल्मी करियर के दौरान अमृता सिंह ने अपने अफेयर को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं। वेल दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमृता सिंह की जिंदगी से जुड़े एक और सच के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। अमृता सिंह का नाम भी कई सेलिब्रिटीज के साथ जुड़ा जिसके चलते अमृता काफी सुर्खियों में रही हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अमृता सिंह की जिंदगी से जुड़े एक और सच के बारे में। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रही हैं मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह। जिस तरह से अमृता सिंह ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं, उनका फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा है, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती हैं। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रही है अमृता सिंह की पर्सनल लाइफ। अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आप देखे हैं अमृता सिंह ने और आज के समय में अमृता सिंह अपने बेटे इब्राहिम अली खान और अपनी बेटी सारा अली खान के साथ अकेले बेहतरीन जिंदगी बिता रही हैं। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि अमृता सिंह और नवाज सैफ अली खान सालों पहले शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की लव स्टोरी की आज भी चर्चाएं होती हैं बॉलीवुड के गलियारों में, लेकिन दोनों ही जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंधे और कुछ सालों बाद ही दोनों की शादी टूट गई। आज के समय में नवाब सैफ अली खान बॉलीवुड की बेबू करीना कपूर खान के साथ और अपने दोनों बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, तो वहीं आज भी अमृता सिंह अकेली हैं। वेल दोस्तों, अमृता की जिंदगी में कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ की एंट्री हुई, लेकिन अमृता सिंह आज भी अकेली हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अमृता का नाम कई सेलिब्रिटीज़ के साथ जोड़ा गया। अमृता के अफेयर को लेकर आज भी खबरें सामने आती रहती हैं। हमारी इस रिपोर्ट के ज़रिए हम बात करने जा रहे हैं अमृता की निजी ज़िंदगी के बारे में। जब नवाब सैफ अली खान की ज़िंदगी में आने से पहले ही अमृता का नाम कई स्टार्स के साथ जोड़ा गया और किस तरह से सैफ अली खान से वह अलग हो गई, बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के ज़रिए। दरअसल जानकारी के लिए आपको सबसे पहले बता दें कि अमृता और सैफ की मुलाकात हुई थी पहली बार राहुल रावली की फिल्म के सेट पर। इस फिल्म में सैफ और काजोल लीड रोल में थे, लेकिन अमृता को जब सैफ ने फिल्म के सेट पर देखा तो उन पर फिदा हो गए। अमृता उस बात से पूरी तरह से अनजान थी, लेकिन कुछ दिनों बाद सैफ ने अमृता को कॉल किया और डिनर के लिए भी पूछा, लेकिन अमृता ने मना कर दिया और कह दिया कि मैं डिनर के लिए नहीं जाती हूँ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि तुम मेरे घर पर डिनर के लिए आ सकते हो और इसी डिनर डेट के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। अमृता सैफ से 12 साल बड़ी है। अमृता और सैफ के बीच दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और बाद में दोनों ही घर वालों के खिलाफ जाकर शादी के बंधन में बंध गई। कहा जाता है कि साल 1991 में सैफ अली खान ने अपने परिवार के खिलाफ होकर अमृता के साथ शादी कर ली। शादी के बाद सारा अली खान और बेटे इब्राहिम अली खान को अमृता ने जन्म दिया, लेकिन ये शादी तकरीबन 13 साल बाद टूट गई और साल 2004 में अमृता और सैफ का रिश्ता खत्म हो गया।
आज के समय में दोनों की राहें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन सैफ अपने दोनों बच्चों यानी कि सारा और इब्राहिम के साथ वक्त बिताते हुए नजर आते हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को अमृता के बारे में, तो अमृता का नाम सैफ से पहले कई स्टार्स के साथ जुड़ा। इसी लिस्ट में नाम शामिल है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना का। विनोद खन्ना जो हमारे बीच आज मौजूद नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में विनोद खन्ना का भी काफ़ी बोलबाला रहा है। अपने लुक और अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए विनोद खन्ना ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। विनोद खन्ना ने अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए हमेशा ही फैंस को दीवाना किया था, तो वहीं विनोद खन्ना भी अपनी पर्सनल लाइफ के चलते काफ़ी सुर्खियों में रहा करते थे। विनोद खन्ना का नाम भी इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया और इसी लिस्ट में नाम शामिल है अमृता सिंह का। जी हाँ, अमृता सिंह और विनोद खन्ना के प्यार के चर्चे भी जोरों शोरों से हुआ करते थे। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से अमृता सिंह खन्ना की दीवानी हो गई थी। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब अमृता सिंह क्रिकेटर रवि शास्त्री को डेट कर रही थी। रवि शास्त्री और अमृता सिंह के प्यार के चर्चे भी फिल्म इंडस्ट्री में जोरों शोरों से हुआ करते थे। अमृता सिंह से बेहद प्यार करते थे रवि शास्त्री और उनके प्यार में काफ़ी सीरियस भी थे। वही कहा जाता है कि उसी दौरान अमृता सिंह ने रवि शास्त्री के साथ जिद में एक शर्त लगाई थी। ये बात है उस दौरान की जब डायरेक्टर जेपी दत्ता ने अपनी फिल्म बंटवारा के लिए एक्टर विनोद खन्ना और अमृता सिंह को चुना था, और उसी दौरान रवि शास्त्री ने सुपरस्टार विनोद खन्ना और अमृता की केमिस्ट्री पर कुछ सवाल भी उठा दिए थे, और उस दौरान ही अमृता सिंह ने दहला मार दिया और कह दिया कि अब वह ऐसा करके ही मानेंगी। शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना और अमृता सिंह दोनों ही एक दूसरे के करीब आ गए। दरअसल कहा जाता है कि अमृता सिंह ने मजाक ही मजाक में रवि शास्त्री को कह दिया था कि जल्द ही विनोद से उनका अफेयर शुरू हो जाएगा, मगर रवि शास्त्री अमृता सिंह के प्यार में सीरियस थे, उनके साथ सीरियस रिलेशन में रहना चाहते थे। लिहाजा विनोद खन्ना के साथ अमृता की नज़दीकियां उन्हें बर्दाश्त नहीं थी और उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया। जी हां दोस्तों, इस तरह से अमृता सिंह और रवि शास्त्री का ब्रेकअप हो गया। अमृता की उस बात को सुनकर वह नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अमृता सिंह को कभी भी विनोद खन्ना को पा नहीं सकेंगी, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। रवि शास्त्री की वो कही हुई बात अमृता सिंह के दिल पर असर कर गई थी और उसके बाद अमृता सिंह ने उसे एक चैलेंज के तौर पर ले लिया था। अमृता को जब भी मौका मिलता था तो वह विनोद खन्ना से फ्लर्ट करने लगती थी और सेट पर अमृता सिंह कोई भी चांस नहीं गवाती थी। शुरुआत में विनोद खन्ना ने अमृता सिंह को नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान ही दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, धीरे धीरे दोस्ती हुई और वो दोस्ती गहरी होती चली गई। लेकिन उस बात की खबर अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्तान को लग गई और दोनों को सख्त हिदायत दे दी थी उन्होंने कि अपना रिश्ता ख़त्म कर दें। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जब अमृता सिंह की मां को खबर लगी कि वह अपने से बड़े 12 साल बड़े अभिनेता के साथ रिश्ते में हैं, तो उनकी मां भड़क उठी थी और उन्होंने अमृता से फिल्म पूरी होते ही विनोद खन्ना से दूर हो जाने का अल्टीमेटम दे डाला था, और इस तरह से विनोद खन्ना खुद भी उसे सही मानते हुए पीछे हट गए। शूटिंग खत्म होते ही अमृता सिंह और विनोद खन्ना का रिश्ता भी खत्म हो गया। शर्त के लिए शुरू हुआ रिश्ता, तो वहीं ये रिश्ता जल्द ही खत्म हो गया और इस तरह से अमृता और विनोद खन्ना की राहें भी अलग हो गई। लेकिन बाद में देखा जाए तो अमृता सिंह शादी के बंधन में बंध गई सैफ अली खान के साथ, लेकिन सैफ के साथ भी ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया। दोनों की राहें अलग हो गईं और आज दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर बेहतरीन ज़िंदगी बिता रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, आप सभी ने इस रिपोर्ट के जरिए जाना कि किस तरह से अमृता सिंह दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के प्यार की भी दीवानी हो गई थी, लेकिन अपनी मां के चलते अमृता सिंह का वो रिश्ता जल्द से जल्द खत्म हो गया। तो वहीं विनोद खन्ना ने भी बहुत ही समझदारी से काम लिया और इसके बाद अमृता सिंह शादी के बंधन में बंध गई नवाज सैफ अली खान के साथ। लेकिन ये शादी भी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और आज भी अमृता अकेली है। अमृता को वो प्यार मिला ही नहीं जिसे वह पाना चाहती थी और आज अपने दोनों बच्चों के साथ बेहतरीन जिंदगी बिता रही है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।